हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एनोला होम्स 2 को, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल, तो ट्विक्सबेरी के केस को सॉल्व करने के बाद एनोला ने अब ये डिसाइड किया है कि वो खुद की एजेंसी खोलेगी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि उसे केस सॉल्व करना कितना पसंद है। पर क्या एनोला इसमें सक्सेस हो पाती है? वेल, तो नहीं, क्योंकि ये उस समय की इंग्लिश सोसाइटी है जिस समय एनोला जैसी लड़कियों को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो चीज हम एनोला के साथ होता हुआ भी देख सकते हैं कि लोग उसके पास पहुंचते ही उसे देखकर अपना केस उसे देने से मना कर देते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी सोच बैठते हैं कि एनोला शेरलॉक होम्स की जूनियर असिस्टेंट है, जिस बात से एनोला डिसअपॉइंट हो जाती है और यही सोचने लगती है कि उन लोगों ने मुझे टेस्ट करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो मे बी उसमें ही कुछ कमी होगी। पर उसी के साथ उसका एक सपना टूट चुका है, जो ये था कि वो पेंथॉन में ग्रेट विक्टोरिया डिटेक्टिव के साथ काम करेगी। पर उससे भी ज्यादा इस बात का उसे दुख है कि उसने खुद को अपने भाई शेरलॉक होम्स के सामने साबित नहीं किया। पर एक दिन हम देख सकते हैं कि एक छोटी लड़की जिसका नाम बेसी है, वो एनोला के ऑफिस आ पहुंचती है, जब एनोला यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है। और उसने एनोला के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई है, वो भी इस कारण से क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढना चाहती है, जो काफी दिनों से मिसिंग है। जिस केस को सॉल्व करना आसान तो नहीं होगा, बल्कि एनोला को कुछ डार्क और डर्टी सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा। तो बेसी की बहन यानी कि सारा चैपलिन की बात करें तो वो लगभग एक हफ्तों से मिसिंग है, और साथ बेसी उसकी असली सिस्टर नहीं है, यानी कि सारा ने बेसी को समहाउ अडॉप्ट किया था, और तब से ही वो दोनों बहनें काफी अच्छे से एक साथ रह रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि सारा दिल की बहुत अच्छी है, तो उसे किडनैप करने का कोई सोच भी नहीं सकता। पर उसी के साथ एनोला को ये भी पता चलता है कि सारा और काफी सारी लड़कियां माचिस की तीली की फैक्ट्री में काम करती है। पर उसी के साथ बेसी ने एनोला को ये भी बताया कि कुछ हफ्तों पहले सारा और मिस्टर काउच के बीच लड़ाई हुई थी, जो उस फैक्ट्री में सारी लड़कियों पर नजर रखता है। साथ ही एनोला उन लोगों की हालत देख काफी शौक है, क्योंकि उनकी लाइफ एनोला से काफी अलग है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसकी मुलाकात मी नाम की एक लड़की से भी होती है, जो उसी सेम बिल्डिंग में रहती है जहाँ पर सारा रहा करती थी। बल्कि मैं उसे काफी अच्छे से जानती भी थी, पर वो एनोला से ठीक तरीके से बात नहीं करती, जिस कारण वो दूसरे दिन बेसी के साथ मैच फैक्ट्री जाने का डिसाइड करती है, और चुपके से मिस्टर काउच की नजरों से बचती हुई उस फैक्ट्री की ऑफिस में आ पहुंचती है, जहां उसे तिजोरी में रखी हुई एक रजिस्टर मिलता है। लेकिन उस रजिस्टर में से कुछ पेजेस गायब हैं, जिसे मानो किसी ने फाड़ा हो। पर इतना ही नहीं, बल्कि एनोला वहां कुछ लोगों की बात सुन लेती है, जिनमें हम हैरी लॉयन, विलियम लर्न, चार्ल्स मैकटायर और मेरा ट्रॉय को देख सकते हैं, जो सभी बैठ तिजोरी में से कुछ सामानों की चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उस मीटिंग से निकल हेनरी बाकी एम्प्लॉय से मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि काफी सारी लड़कियां गायब है, और साथ ही टाइफस नाम की बीमारी उन लड़कियों में फैल रही है, जिस कारण एडमिनिस्ट्रेशन उन लड़कियों की हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है, जिस बारे में वो लोग कुछ करना तो चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ एनोला मे की अजीब से बिहेवियर को नोटिस करती है, जिस कारण उसे ये समझ आता है कि मे बी मैंने ही सारा की मदद की थी उस ऑफिस तक पहुंचने में, और उस रजिस्टर में से उस पेज को और किसी ने नहीं बल्कि सारा ने ही चुराया है, जिस कारण एनोला मे का पीछा करते हुए पैरागॉन थिएटर आ पहुंचती है, जहां मे काम करा करती है, और साथ ही मे एनोला को उसका पीछा करते हुए पकड़ लेती है, जिस कारण वो उसके गले पर चाकू तक रख देती है। लेकिन वो चाकू फेक होती है, और उसी के साथ एनोला को वहां पर एक शख्स के जरिए सारा के मेकअप के सामानों में से एक लेटर मिलता है, पर उन लेटर्स को अब एनोला को सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो एक रिडल है। पर घर जाते वक्त उसकी मुलाकात शेरलॉक होम्स से होती है, यानी कि उसके भाई से, जो नशे में धुत है, जिसे वो घर ले जाती है। और साथ ही दूसरे दिन से ये पता चलता है कि उस लेटर की पोइट्री में एक जगह के बारे में लिखा है, जहां पहुंचने पर उसे मी मिलती है, जिसे किसी ने स्टैप किया है, और उसकी मदद करे उससे पहले ही वहां इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड पहुंच जाते हैं, जिनके साथ हम सुपरिटेंडेंट ग्रे को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिन्हें वहां पहुंचता हुआ देख एनोला ये सस्पेक्ट कर लेती है कि ग्रेल ही
वो शख्स है जो उसका कुछ रात पहले पीछा कर रहा था। पर इतना ही नहीं बल्कि उसे मी के पॉकेट से एक म्यूजिकल नोट मिला है जिस पर नजर ग्रेल की पड़ जाती है, लेकिन वो उन पुलिस वालों के हाथ और सबूत को लगने नहीं देती और वहाँ से भाग निकलती है, जो और कहीं नहीं शेरलॉक के घर आकर छुपी है, क्योंकि उसे पता ही है कि यही सबसे सेफ जगह है। जिसके बाद वो दोनों सिबलिंग एक डील करते हैं जिसमें शेरलॉक पहले उसे अपने फाइनेंशियल स्कैम के केस के बारे में बताता है कि कुछ पैसे चोरी किए जा रहे हैं, वो भी मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर करके, जिन अकाउंट्स के बारे में वो कुछ पता नहीं लगा पा रहा क्योंकि वो प्राइवेट बैंक से होते हुए ट्रेजरी तक पहुंचते हैं। और साथ ही शेरलॉक ने इस बात को फिगर आउट कर लिया है कि जो भी इन सारी चीजों के पीछे है वो शेरलॉक को सिर्फ घुमा ही रहा है, क्योंकि जब तक शेरलॉक उस लीड तक पहुंचे उससे पहले ही वो लीड गायब हो जाती है या फिर उसे वहां कोई भी सबूत नहीं मिलता। पर इतना ही नहीं बल्कि ट्रेजरी ऑफिस में किसी ने चोरी करने तक की कोशिश की थी, वो भी पहले ट्रांजैक्शन के पहले, जिनके हुलिए के बारे में शेरलॉक को पता है, लेकिन उसने ट्रेजरी ऑफिस में घुस किसी तरह के पेपर को चुराया है जिस बारे में शेरलॉक को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो पेपर गवर्नमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पर अब शेरलॉक को ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रेजरी ऑफिस में ब्रेक इन का उस मनी लॉन्ड्री से क्या मेल है। जो बात सुन एनोला उसे सारा चैपमैन के केस के बारे में बताती है और साथ ही उस म्यूजिकल पेपर को भी, जिस कारण शेरलॉक उस सिचुएशन से निकल सीधा क्राइम सीन पर आ पहुंचता है, यही सोचते हुए कि मे बी एनोला के केस उससे कनेक्टेड है। साथ ही शेरलॉक के केस से जुड़े हुए एविडेंस से एक क्रिप्टिक मैसेज मिलता है जो कि म्यूजिकल है, और उस कारण शेरलॉक को एक नाम मिलता है जो कि मॉरी एट्री है, यानी कि अब वो शख्स शेरलॉक को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो शख्स ये जानता है कि वो खुद के प्लान को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एनोला विलियम लियोन से मिलने के डिसाइड करती है, यानी कि उसी मैच फैक्ट्री के ओनर के बेटे से, जिसे वो मिलने में कामयाब भी होती है। और साथ ही एनोला को ये भी पता चला है कि वो लेटर सैरा को और किसी ने नहीं बल्कि विलियम ने ही दिया था। पर साथ ही एनोला की इस बॉल में मुलाकात एक लेडी से भी होती है जिसका नाम सिसली है, जो कि बात करने में काफी अच्छी है, और साथ ही एनोला उससे थोड़ी जल रही है क्योंकि वो ट्यूक्सबेरी से बात करने का डिसाइड करती है। साथ ही उस पार्टी में एनोला ये भी नोटिस कर सकती है कि ड्यूक्सबेरी को काफी फीमेल अटेंशन मिल रहा है। पर अब एनोला को वहां पर कुछ और लीड्स मिले, उससे पहले ही पुलिस आकर एनोला को अरेस्ट कर यहाँ से सीधा प्रिजन ले जाती है। जो बादशाह शेरलॉक काफी डर चुका है, और साथ ही अब वो ये चाहता है कि उसकी बहन उसकी जैसी ना बने, क्योंकि जैसा कि हम कह ही सकते हैं कि शेरलॉक अपने प्रोफेशन को लेकर काफी हद तक ऑब्सेस था। पर अब उसे इतना तो समझ आ गया है कि उसकी बहन को उसकी जरूरत है, क्योंकि उसे अब ऐसा सच में लगने लगा है कि उसका केस शेरलॉक से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, जो सोसाइटी की डार्कनेस को दर्शाता है, जिस कारण शेरलॉक अपनी बहन की मदद के लिए एडिथ के पास जाता है, यानी कि अपनी मॉम की फ्रेंड के पास, जिन्हें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा ही है। पर इतना ही नहीं बल्कि एनोला को मैच फैक्ट्री पर डाउट है, क्योंकि इन दो सालों में उस फैक्ट्री ने काफी मुनाफा कमाया है, लेकिन उसी के साथ वहाँ काम करने वाली लड़कियों को टाइफस नाम की बीमारी हो रही है, जिस कारण अब उसे ऐसा लगता है कि उसे आगे के सबूत मैच फैक्ट्री में ही मिलेंगे। लेकिन अब जबकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो शेरलॉक के कारण एडिथ और एनोला की मॉम मिल एनोला को उस सिचुएशन से छुड़ाने में कामयाब होते हैं, और वहां से निकलते ही एनोला बेसी से आकर मिलती है, जिसे वो इस जगह से शिफ्ट होने के लिए कह रही है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी बहन के कारण बेसी को कुछ ना हो जाए। पर इतना ही नहीं बल्कि अपनी मॉम की बातों पर थोड़ा गौर करने पर एनोला को ये समझ आता है कि सब कुछ उसके सामने ही था, लेकिन उसने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसे अब ये पता चला है कि जिस लड़की से, यानी कि जिस लेडी से वो उस बॉल में मिली थी, यानी कि सिसिलिया से, वो और कोई नहीं बल्कि सैरा चैपमैन है, और साथ ही विलियम की गर्लफ्रेंड भी। अब वो तीनों यानी कि सैरा, विलियम और मे मिलकर विलियम के फादर को एक्सपोज करना चाहते थे, क्योंकि जिस जगह सारा काम किया करती थी, यानी कि उसी मैचस्टिक फैक्ट्री में, वह काफी सारी औरतों की मौत हो चुकी थी, जिस बात से सारा काफी कंसर्न थी। लेकिन उसी के साथ उसे ये पता चला था कि मैचस्टिक में इस्तेमाल होने वाले व्हाइट हेड की जगह जब उन लोगों ने रेड हेड को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस फास्फोरस के कारण वो लड़कियां बीमार हो रही है और मर जा रही है, जिस बीमारी को एडमिनिस्ट्रेशन ने
टाइफस का नाम दिया है, यानी कि जो पेंडेमिक यहाँ पर क्रिएट किया गया है वो एक इल्यूजन है ताकि उसकी आर्मी हेनरी और उस जैसे लोग पैसे कमा सके। पर उसी के साथ उसे इतना तो समझा है कि विलियम ट्विग्सबरी जैसा एक अच्छा रिफॉर्मर है जिस कारण ही वो उसकी मदद चाहता था, और इसी कारण से उसने उसे बॉल में भी इन्वाइट किया, जो पूरी बात वो जाकर ट्विग्सबरी तक को बताती है और साथ ही उसके साथ मैच स्ट्रीट फैक्ट्री पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात उसके भाई शेरलॉक से होती है, जहां उन लोगों को विलियम की डेड बॉडी मिलती है। और उस क्राइम सीन को एनोला काफी अच्छे से एलैबोरेट करती है, वो भी विलियम की डेथ का इल्जाम लॉर्ड चार्ल्स पर लगाकर जो कि ट्रेजरी ऑफिस की देखरेख करता है। लेकिन शेरलॉक उसे ये बताता है कि ये सारी चीजें एक प्लान एविडेंस है और साथ ही हमें मिसलीड किया जा रहा है, जिस कारण वो सभी उसी पेपर को चेक करने लगते हैं जो पेपर एनोला को मे से मिला था। जिस म्यूजिकल पेपर को चेक करने पर उसके सिंबल्स को देख उन्हें ये पता चलता है कि वो पेपर सच में एक म्यूजिक है जिसे द ट्रुथ ऑफ गॉड कहा जाता है, जो बात रिफर करती है थिएटर या ऑडिटोरियम से, यानी कि वो म्यूजिकल पेपर कोई म्यूजिकल सिंबल नहीं बल्कि एक मैप है, वो भी थिएटर का, जहाँ पर मे और सारा काम किया करते थे। और द ट्रुथ ऑफ गॉड को रिलेट करें तो ट्विग्सबरी उन्हें ये बताता है कि थिएटर की बेल्कनी की पोजिशन को उस नाम से रिफर किया जाता है। और जैसे ही वो सभी थिएटर आ पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों की मुलाकात सैरा से होती है, जो उसे यही बताती है कि उसके पास वो सारे एविडेंस हैं जिससे वो उन सभी लोगों का पर्दाफाश कर सकती है, क्योंकि उस फैक्ट्री रजिस्टर के अंदर उसे उन मरी हुई लड़कियों की लिस्ट भी मिली है जिनकी मौत टाइफस से नहीं बल्कि फॉस्फोरस से हुई है, जो बात हेनरी और चार्ल्स को पता है और साथ ही कुछ और लोगों को भी, जिस बात से उन्हें मुनाफा हो रहा था और इस कारण से उन लोगों ने इस बारे में किसी को बताने का ना सोचा। पर हम देख सकते हैं कि चार्ल्स भी उस सिचुएशन में पहुंच चुका है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि शेरलॉक होम्स ने बुलाया है, और आते ही साथ वो सारा को कस्टडी में लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि सारा ने उन्हें ब्लैकमेल और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सील करने की कोशिश की थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, जो बात शेरलॉक चार्ल्स को कहता है और यही बताता है कि सारा वो ब्लैकमेलर नहीं बल्कि उनकी असिस्टेंट मीरा ट्रॉय इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, जिस नाम का सस्पेक्ट शेरलॉक होम्स को तभी हो गया था जब उसने मोरियार्टी नाम को सॉल्व किया था। इसके बाद मीरा उन सभी को ये बताती है कि काफी सालों से वो चार्ल्स के लिए काम कर रही है, लेकिन उसे वहाँ पर वैसी इज्जत और वैसा रुतबा नहीं मिलता था जैसे अक्सर लड़कों को मिला करता है, बल्कि वो खुद को उन सभी से जीनियस मानती है, जिस कारण उसे ही उसने शेरलॉक को चैलेंज किया था। साथ ही वो उन लोगों को सबक भी सिखाना चाहती थी जो उसे कम समझते थे, और एक फीमेल पावर दिखाना चाहती थी कि हमेशा लड़कियां लड़कों का साया बनकर ही नहीं चल सकती, जिस कारण उसे ही उसने सुपरिटेंडेंट ग्रेल को करप्ट किया और उसे एनोला के पीछे लगा दिया, जिस कारण उसे ही ग्रेल अपने कुछ ऑफिसर के साथ थिएटर आ पहुंचा था और एनोला से उस पेपर तक को ले लिया था। लेकिन एनोला और बाकी सभी ने मिलकर उसे वो पेपर हासिल कर लिया, और उसके बाद ही चार्ल्स और मीरा उस सिचुएशन में पहुंचे थे, जिस कारण अब मीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि चार्ल्स ने उस पेपर को भी जला दिया है जिसमें सारे सबूत थे, जिस कारण सारा और एनोला के पास कोई भी सबूत नहीं कि वो लोग उन लड़कियों को उस फैक्ट्री में काम करने से रोक सके, जिस बात से ट्विग्सबरी काफी चिढ़ चुका है, और साथ ही वो चार्ल्स को अरेस्ट भी करना चाहता है, जो वो मे बी कर भी देगा, वो भी उन लड़कियों की डेथ को प्रूव करके। साथ ही हम देख सकते हैं कि सारा और एनोला ने मिलकर फैक्ट्री में काम कर रही सारी लड़कियों को वहाँ पर काम करने से रोक दिया है, और साथ ही उनके खिलाफ और करप्शन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी जारी कर दिया है। जो बात अगर आप हिस्ट्री में चेक करो तो सच है, क्योंकि मैजिकल स्ट्राइक के बाद सारा चैपमैन ऐसी और भी सारी चीजों में इन्वॉल्व रही है, और एनोला को खुद को साबित करता हुआ देख उसकी मॉम और एडिथ काफी खुश है। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि शेरलॉक ने एनोला के पास पहुंच उसे एक ऑफर दिया है कि वो उसके साथ रह सकती है और चाहे तो उसके साथ भी काम कर सकती है, लेकिन एनोला खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती है, ना ही शेरलॉक के नाम से आगे बढ़ना चाहती है, जिस कारण वो अपने भाई को मना कर देती है। लेकिन साथ ही उसने उसे मिलने का प्रॉमिस भी किया है, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि एनोला को खुद को प्रूफ करना अभी तक बाकी है, जिसके बाद वो वहाँ से ट्विग्सबरी के साथ निकल जाती है। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि शेरलॉक को एडिथ एक पेपर देती है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि मीरा जेल से भाग चुकी है, और उसी के साथ बड़े इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ हम शेरलॉक को देख सकते हैं जो अपने घर में बैठ एनोला का वेट कर रहा है, क्योंकि जैसा कि उसने वादा किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो खुद नहीं बल्कि उसने एक शख्स को भी
भेजा है जिनका नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। और अगर आप शेरलॉक होम्स को जानते ही हैं तो डॉक्टर जॉन को भी आप जानते ही होंगे, जिन्हें हम शेरलॉक के बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ उन्हें हम उनका असिस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।